हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी बज रहे हैं 10:30 या 11 बज रहे होंगे और मैं आज काफ़ी लेट उठी हूँ क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नींद आ गई। ठंड का समय है तो नींद तो अच्छी आती है, लेकिन आज मुझे बहुत बहुत सारा काम है क्योंकि आज 22 हो गया है और आपको पता है जैसे कि क्रिसमस आ रहा है तो मुझे क्रिसमस का सामान लेने जाना था बाहर, और आज रील्स भी बनाने क्योंकि आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स फिर से कम होने लग गए और रीच डाउन हो गई है। ऐसा चलता रहता है इंस्टाग्राम पे, जब आप कम ध्यान देते हो तब ऐसा होता है, तो मुझे फिर से उस पर ध्यान देना होगा और फिर से रील्स पे थोड़ा मेहनत करनी होगी, फिर ठीक हो जाएगा। और बस लेकिन अभी मुझे फटाफट ब्रश करना है, नहाना है और फटाफट रील्स बनाना है और फिर वापस शॉपिंग करने जाना है, और मुझे ड्रेस भी लेना है कि आखिर मैं क्रिसमस में क्या पहनूंगी क्या नहीं। तो फटाफट पहले मैं जाके नहा लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ और फिर नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी। ठीक है, मैं रील्स बना रही थी लेकिन वो जो भैया देख रहे हैं वो मेरी वीडियो ले रहे थे साथ में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मेरे फैन होंगे, उन्होंने दूर से मेरे को देख लिया इसलिए वो वीडियो ले रहे थे। देख रहे हो, वो जा रहे हैं। रील्स बना ली है और अभी बज रहा है 1 और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। मैं वही थी ना, नहाकर ब्रश करके पहले नाश्ता कर लूंगी, लेकिन नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मुझे रील्स बनाना था, बहुत टेंशन था। तो मैंने रील्स तो बना लिया है तो अभी मैं नाश्ता करूंगी, और मम्मी ने नाश्ता बनाकर रख दिया था और ऊपर से ठंडा हो गया है तो अभी मैं पहले तो ओवन में उसे गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना इसे कांच के बाउल में डाल दिया है इसे निकाल कर, क्योंकि फिर अगर इसमें डालती तो करेंट लग जाता है, इसलिए इसमें डाल दिया है। अब चलिए मैं ओवन में इसे डाल, जल्दी जल्दी बस गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसे खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। धुआं धुआं हो गया यानी कि गर्म हो गया है, पहले तो स्विच ऑफ कर देती हूँ। मैंने सिर्फ फाइनली गरम कर लिया और इसमें सॉस डाल दी क्योंकि बिना सॉस के मुझे अच्छा नहीं लगता ये चूड़ा पुलाव। देख रहे हो कितना टेस्टी मम्मी बनाई। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज बताना, मैं मम्मी को बताऊंगी और मम्मी आपको बता देंगी। खाने में मजा ही कुछ अलग है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो जरूर बताना, मैं मम्मी को बोल दूंगी और फिर मम्मी आपको बताएंगी इसका रेसिपी। ठीक है, ये पास्ता रेडी है और अब मैं पास्ता खाऊंगी क्योंकि भूख कितनी तेज लग रही है। तो मम्मी ने पास्ता भी बनाया है तो खा लेती हूँ। कीड़ा दिखा, देख रहे हो ये कैसे निकल रहा है, इसका अलग से ही पेड़ बना हुआ है और ये छेदे में से निकल रहा है तो मुझे काफ़ी डेंजर लग रहा है। देखो, शायद आप लोगों को क्लियर दिखे ना दिखे, देखो कैसे निकलने का कोशिश कर रहा है। बाप रे, हट जाती हूँ। फाइनली मैं जा रही हूँ क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए, इसको मैं चबाते जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ हाथी बागान शॉपिंग करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया क्रिसमस का शॉपिंग करना है और मेरे पास मास्क नहीं था इसलिए मुझे नया लेना पड़ा, तो मैंने 2 ले लिया, एक मेरे पॉकेट में है ताकि अगर एक खो जाए तो दूसरा बचे। तो मैं आपको अभी शॉप्स दिखाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स है, उसमें बहुत सारे सामान मिलेंगे क्रिसमस के, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइज देखो, यहाँ पे आपको पहला शॉप में इतना प्यारा प्यारा देख रहे हो, क्रिसमस ट्री वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन हम आगे और देखेंगे क्योंकि लाइन से बहुत सारे शॉप है। तो आगे जब मैं गई तो मुझे इतने बड़े बड़े स्टार्स दिखे ना, मतलब ये डेकोरेशन के लिए काफ़ी प्यारे थे और इतने सुंदर लग रहे थे ना ये डेकोरेशन आइटम। साथ में देख रहे हो हेयर बैंड वाली रिबन है, कैप्स है और रिबन्स वगैरह जो अपन सजाते हैं तो वो सब भी था, और सांता क्लॉज बहुत सारे छोटे छोटे से थे और क्रिसमस ट्री भी। तो दूसरे वाले शॉप में गई तो वहाँ पे सांता क्लॉज सब साइज़ के थे, देख रहे हो, बड़े भी साइज़ थे, छोटे भी साइज़ थे, उससे बड़े भी साइज़ थे और क्रिसमस ट्री के भी साइजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे। तो और साथ ही में हमारा हेयर बैंड जो है डिफरेंट डिफरेंट था, तो ये सांता क्लॉज देखो मैं देख रही थी, तो ये जो भैया ना इन्होंने बोला ये सबसे अच्छा क्रिसमस ट्री रहेगा, लेकिन ये क्रिसमस ट्री देखो थोड़ा बाकी आप जमीन में ठीक से रखेंगे तो खराब हो जाएगा। दीदी तो गाइस फिर ये वाला मुझे इन्होंने दिखाया ट्री, इन्होंने बोला ये आप रख सकते हो। उसके बाद दूसरा मैंने ये सब डेकोरेशन के लिए क्रिसमस आइटम्स देखा जो मुझे मेरे क्रिसमस ट्री में सजाना था। तो देखो ये कुछ डमरू जैसा कुछ था, साथ ही में बॉल्स था, देखो ये डमरू वाला मैंने देखा और ये देखो इससे बड़ा डमरू भी था। तो ये डमरू वगैरह जो हमारे क्रिसमस ट्री में लगता है, तो और छोटा डमरू भी है, तो मैंने आपको दिखाया डमरू टाइप्स। एंड यहाँ पर स्टार्स भी थे, देखो ऐसे स्टार्स भी थे, साथ ही में देखो इस तरीके की घंटी थी, तो घंटी भी काफ़ी प्यारी थी और कलरफुल थी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और साथ ही में बहुत सारे आइटम्स थे, बॉल्स, रिंग्स, बहुत कुछ था। तो और भी मैं देख रही थी एक एक करके कि कुछ समझ आए, क्योंकि इतने सारे आइटम्स में आप क्या ही सेलेक्ट करोगे क्या नहीं, ऐसा लगेगा पूरा का पूरा दुकान ले लो, इतना प्यारा प्यारा चीज़ था इनके पास।
तो और भी शॉप्स में थे अच्छे अच्छे, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे स्टार्स भी थे, देख रहे हो सिल्वर स्टार। मैंने एक चीज़ गलती किया कि मैं यही शॉप में देखी जा रही थी, पर देखो आगे क्या पता मैं दूसरे शॉप में चली जाऊँ। तो देखो ऐसे यहाँ पे सिल्वर स्टार्स है और गोल्डन स्टार्स भी थे, लेकिन क्रिसमस ट्री में आई थिंक सिल्वर स्टार ज़्यादा बेटर लगता। तो साथ ही में मैंने ये देखो पिंग पोंग बॉल देखा, पिंग पोंग बॉल कहते हैं इसे, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो ये भी कलरफुल था, ग्रीन था इसमें, पिंक ब्लू और मिक्स था। साथ ही में ये देखो एक प्यारा सा घंटी था जिसमें चमकी लगा था, तो वो चमकी अगर आप लोगे तो हर जगह फैल जाएगा, चमकी चमकी हो जाएगा, तो वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो गाइज़ देखो और भी आइटम्स हैं, सांता क्लॉसेस हैं। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट पिंग पोंग बॉल, छोटे साइज़ के भी थे, वो बड़े साइज़ के थे, ये छोटे छोटे साइज़ के थे, तो ये वाले छोड़ दिया मैंने। तो ये गोल्डन वाले पिंग पोंग बॉल देख रहे हो, गोल्डन कलर के, एक शाइनिंग वाले थे, एक नॉर्मल वाले थे। आई थिंक ये स्मॉल वाली ज़्यादा बेटर रहेगी, आपको क्या लगता है ना? तो स्मॉल वाली रिंग पिंग पोंग बॉल ज़्यादा अच्छा है गोल्डन से। एंड देन उसके बाद में मुझे वो दीदी जो है वो और दिखाई जा रही थी, आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप ये ले लो, आप वो ले लो, हाँ ऑफ कोर्स। तो उसके बाद देखो इतने सारे स्टार्स थे, तो स्टार्स के भी इसमें अलग अलग कलर थे, गोल्डन, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, जैसा आपको कलर चाहिए आपको वैसा कलर मिल जाएगा। साथ ही में देखो क्रिसमस ट्री और भी थी, और साथ में ये ऊपर में एक रिंग दिखा मुझे, बेल दिखा, जो कि काफ़ी प्यारा था। तो देखो अब आते हैं बारी कैप की। तो कैप भी यहाँ पे इनके पास काफ़ी सारे थे, लेकिन साइजेस सबके अवेलेबल थे नहीं, तो छोटे साइज़ के ही कैप है, देख रहे हो। तो मैं अपने लिए कैप ले रही थी, तो देखो कितना प्यारा लग रहा था ना, तो चलिए ले लेते हैं कैप्स बहुत सारे। तो कैप्स भी काफ़ी सारे थे, देख रहे हो भैया निकाल रहे हैं कैप, उनको साइज़ उन्होंने बोला कि साइज़ जो है अवेलेबल नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, मेरे माथे का साइज़ का तो था, देख रहे हो मैं पहन पहन के देख रही थी, इन्होंने बोला पहन पहन के देख लो आपको जो पसंद आता है। फिर रिबन से मुझे ये वाइट कलर का आई थिंक अच्छा लग रहा है, देखो मैं पूरा एकदम धुलन वुलन बन गई हूँ रस्ते में, एकदम कॉमेडी कर रही हूँ। तो आते जाते लोग मुझे ही देख रहे थे कि क्या शूटिंग वूटिंग चल रहा है क्या। तो ये वाइट कलर का काफ़ी प्यारा लग रहा था, और भी कलर्स का था लेकिन वाइट ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। साथ ही में ये देखो ये जो चश्मा है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना चश्मा, और ये लेकिन मेरे आँख के पास आ रहा था, जो सांता क्लॉस बना ना मेरे एक आँख में चुभ गया था, तो ये हटा के मैंने दूसरा देखा, तो दूसरा वाला आपको दिखाती हूँ। दूसरा वाला ऊपर बना हुआ था सांता क्लॉस, देख रहे हो मैं लग रही हूँ ना रियल सांता, सबकी विशेष पूरा करूँगी आपकी। तो ये गाइज कैसा लगा ये पिक, बहुत ही प्यारा था, इसलिए मैं सोची कि व्लॉग में डाली दूँ ये वाली पिक, क्योंकि मुझे एक पिक ज़्यादा प्यारा लगा, आप बताना कैसा है कैसा नहीं। उसके बाद मैंने देखो ये चुड़ैल वाला दोटो देखा, जो सिंह था, देख रहे हो मैं क्या चुड़ैल लग रही हूँ। और गाइस देखो छोटे छोटे ट्री, मैं बताई ना ट्री इनके पास साइजेस बहुत सारी थी, तो ये वाली ट्री थी। तो और भी मैं आपको ट्री दिखाती हूँ, सेकेंड साइज़ दिखाती हूँ इनका। तो सेकेंड साइज़ में ये देख रहे हो ये ट्री काफ़ी प्यारी है, इसमें जो बेल लगा हुआ है ना वो काफ़ी प्यारा लग रहा था, देख रहे हो प्यारा सा बेल वाला ट्री, और एक ट्री था गाइस। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे सांता क्लॉस भी थे डेकोरेशन के लिए, छोटे छोटे ये क्या कहते हैं पता नहीं, ये भी डेकोरेशन के लिए था। साथ ही में गाइस आगे जाके मुझे बड़ा सांता क्लॉस और बड़ा ट्री दिखाओ, फिर मैं चौंक गई, मैं सोची ये शॉप में आई होती ना यार बड़ा वाला ले लेती, तो मैं बहुत अफसोस करी थी कि मैंने वही शॉप से सब कुछ खरीद लिया, पर कोई बात नहीं, अब खरीद लिया तो रिटर्न तो कर नहीं सकती। तो गाइस ये देख रहे हो ये वाला क्रिसमस ट्री कितना मस्त लग रहा है, स्नो स्प्रे किया हुआ, उफ मैं मुझे यहीं आना चाहिए था। साथ ही में आगे जाके तो और भी अच्छे चीज दिख रहे थे मुझे, देख रहे हो ना, मैंने एक ही शॉप से सब कुछ ले लिया, लेकिन मुझे और भी शॉप देखना चाहिए था, क्योंकि और भी शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी सामान थी, पर कोई बात नहीं, फटाफट जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, ड्रेस भी लेना बाकी है अपने। देखो मैं आई हूँ क्रिसमस का केक ऑर्डर करने के लिए, तो देखो मैं यहाँ पे ऑर्डर कर रही हूँ, तो आप लोग बताना अगर आपको पता हो, छोड़ो मैं ही बता देती हूँ, आप लोग नहीं बता पाओगे शायद, जो कोलकाता में वो नहीं बता पाओगे। तो मैं केक एक्सप्रेस आई हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा डिफरेंट डिफरेंट केक है क्रिसमस के लिए, लेट्स गो। गाइस बात केक की है, तो हर एक पेस्ट्री शॉप या केक शॉप में आप देखोगे कि क्रिसमस का कुछ ना कुछ यूनिक केक तैयार रहता है, या वो लोग कैटलॉग देते हैं कि आपको कौन सा पसंद है, उसी हिसाब से लोग बना देते हैं। तो ये भैया बोले आप गूगल से जो निकाल के दोगे वो बन जाएगा, लेकिन मुझे इसमें से कुछ सेलेक्ट करने का मन कर रहा था, पर चलो देखते क्या करते हैं। तो यहाँ पे कुकीज़ वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह भी बहुत ही टेस्टी टेस्टी थे, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सब एगलेस केक है, क्योंकि आपको पता है मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे वेज केक ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसमें अंडे वंडे नहीं रहते, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है केक शॉप की। तो देख रहे हो इतना टेस्टी टेस्टी केक है ना यार, काजू वाजू सब डाला हुआ है, एकदम मस्त सा क्रिसमस का केक तैयार है। तो क्रिसमस में यही मुझे खास लगता है कि केक्स वगैरह बहुत ही टेस्टी टेस्टी रहते, तो मैंने ये केक खाने का सोचा। उसके बाद ये केक खाने के बाद मैंने ब्राउनी केक ट्राई किया, तो इनका केक काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी था। तो उसके बाद देख रहे हो इतना प्यारा प्यारा केक है, मन कर सब एक साथ खा जाओ। तो इनके पास यहाँ पे देख रहे हो स्नो स्प्रे हुआ,
और बाकी कैप्स, बर्थडे कैप्स वगैरह सब कुछ थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये पूरा शॉप था, तो बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ था। और साथ ही में यहाँ पे ये लोग लाइव केक बनाते हैं, मतलब आपको ऑर्डर करना तो ताज़ा ताज़ा केक होता है ना, बना देते हैं, तो ये चीज़ भी उनकी काफ़ी खास है। देख रहे हो कितना ताज़ा ताज़ा केक बना हुआ है साइड में। तो उसके बाद मैं ब्राउनी खा के देखी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड सॉफ्ट था। उसके बाद हो गया है और मैं अब लगा रही हूँ निशाना बलून से, क्योंकि मुझे अब गेम खेलने का मन कर गया। तो चलिए देखते हैं मैं निशाना लगा पाती हूँ कि नहीं, पहला निशाना कैसा रहेगा कैसा नहीं। तो भैया मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कैसे करना कैसे नहीं। एक आँख बंद करो। यो, मैंने निशाना लगा दिया पहली बार में, दूसरे बार में मैं नहीं लगा पाई, एंड थर्ड बार में देखते लगा पाती हूँ कि नहीं, थर्ड बार में लगा लूँगी शायद। लगाऊँ लगाऊँ, 1 2 3 4 लगा दिया। चलो अच्छा निशाना लगाया। डेकोरेशन तो हो गया, लेकिन खुद का डेकोरेशन भी ज़रूरी है। तो मुझे रेड पहनना है, तो रेड के लिए मुझे ढूंढना होगा आखिर रेड ड्रेस कहाँ मिलेगा। तो मैं आई हूँ पैंटालून देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे क्रिसमस का स्पेशल ड्रेस आया है कि नहीं। तो क्रिसमस के लिए मुझे रेड कलर का टॉप दिखा, लेकिन ये टॉप मुझे काफ़ी मतलब इससे अजीब सा लगा, तो मैंने ये वाला देखा नहीं। उसके बाद मुझे ये शर्ट दिखा जो कि ब्लैक एंड रेड में था, साथ में एक और शर्ट दिखा, और ऊपर से ये वन पीसेस देख रहे हो, काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है ना। तो और बाकी वन पीस दिखा, साथ में जैकेट दिखा, और ये टॉप दिखा, और ऊपर से एक और देख रहे हो, ये भी रेड टॉप दिखी। और बच्चे लोगों में सेक्शन में तो सभी रिवील नहीं कर सकती, वो आपको क्रिसमस वाले व्लॉग में पता चलेगा कि आखिर मैंने कौन सा ड्रेस लिया। ये आ गया भूत, सेंटा जा रहा है, साथ में उसका ट्री भी है। देखो ट्री के पीछे कौन है, दिखाओ। दिख नहीं रही हो, ये अपना चेहरा नहीं दिखाती, जैसे आपको पता है ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरती लड़की है। शॉपिंग हो गई है, ये देखो ट्री भी आ गया, मेरा सेंटा भी आ गया। तो अभी और भी शॉपिंग बाकी है, अभी तो बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। देखिए और क्या क्या करती हूँ क्या क्या नहीं, अभी के लिए तो इतना ही। बताना कि आपने क्रिसमस की शॉपिंग कर ली है, और कर भी ली है तो क्या क्या लिया है क्या क्या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं अभी आपको डिटेल में सब कुछ नहीं दिखाई, क्योंकि मैं जब डेकोरेशन वगैरह करूँगी तो आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। नेक्स्ट व्लॉग आप देखना मत भूलना, क्रिसमस स्पेशल व्लॉग रहेगा, और बहुत ही धमाकेदार व्लॉग रहेगा, इतना ज़्यादा धमाकेदार रहेगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, बस आया आप लोग देखना मत भूलना, तो जल्द से जल्द मेरा क्रिसमस व्लॉग आने वाला है। तो आर यू गाइज एक्साइटेड, येस और नो कमेंट पे बताना। और मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, क्योंकि मुझे पार्टीज वगैरह काफी अच्छा लगता है, और फर्स्ट टाइम मैं अपने घर पे पार्टी करने का सोची हूँ। तो घर पे पार्टी होगी कैसी नहीं, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार जरूर करना। लव यू।